देखिए 2022 जो है वो तो बड़ा डिजास्टरस साल था। सबसे बड़ा जो इसमें वजह थी वो पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए और फ्लड्स के आफ्टर फ्लड के जो इफेक्ट थे, सारी जो हमारी क्रॉप्स थे, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ। उसी वही हमारे एक्चुअली अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री कैटर करती है लोकल्स के अंदर, अर्बन एरिया कैटर करता है रूरल एरिया को, और रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी फसलें खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान 2022 में समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इस फ्लड से हुआ। अब गैस की कमी और ये फ्लड्स की वजह से और जो हमारे जो हालात हैं उस वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, वो हम वापस उसी जगह पर आके खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी एक्सपोर्ट्स कम होंगी पाकिस्तान की पिछले साल के मुकाबले, और गैस नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ऑर्डर्स भी हम मीट नहीं कर सकते, इसलिए नए ऑर्डर्स भी नहीं मिलते, तो इससे एक्सपोर्ट्स पर भी असर आता है। डेफिनेटली जी ये जो इसकी जो दोनों चीज़ों की वजह से हमारी एक्सपोर्ट पे भी असर आ रहा है, प्रोडक्शन पे भी असर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर आ रहा है, महंगाई भी इसी की वजह से है। बहुत सारे मामलात हैं जिसको हैं, इसको हमको हल करने के लिए इकदाम करने चाहिए, और इस इकदाम में सबसे सारे फहरिस्त यह है कि हम इंडस्ट्री जो है उसको चलाने की कोशिश करें। यहाँ हम डोमेस्टिक को देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो हमारी पॉलिसी जो है उसके अंदर चेंज लाना ज़रूरी है। फंडामेंटल चेंज ये है कि पहली प्रायोरिटी जो है इंडस्ट्री को देनी चाहिए और जो है ना दूसरी प्रायोरिटी पे डोमेस्टिक होना चाहिए। आप ये देखें कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो मसनूआत लेने वाले लोग हैं वो भी अनसर्टेनिटी के शिकार हो जाएंगे। जो परसेप्शन है पाकिस्तान का वो उससे बड़ा ख़राब हो रहा है। टैक्सेस तो जब होते हैं जब आपकी इंडस्ट्री चले, और इंडस्ट्री जब प्रोड्यूस करेगी तो उस माल के ऊपर टैक्स है। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट जब माल आएगा तो उसके ऊपर टैक्स है, उससे पहले तो कोई टैक्स नहीं है। कराची के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल अलग है। कराची में कभी कोई दुकान 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे से पहले खुलती नहीं है सुबह को। तो हमारे जो पीक आवर्स होते हैं वो शुरू ही 7:30 बजे होते हैं और 10:30 बजे तक वो पीक आवर्स चलते हैं। दुकानदारी के लोग जो खरीदने के लिए घरों से निकलते हैं, वो गर्मियों की कहें या कुछ और कहें, हमारी एक सिस्टम है, हमारी एक आदत है, और रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। कराची का ये हाल है। ट्रेड को बढ़ाओ तो ट्रेड जब ही बढ़ेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। एक होता है जिसे कहते हैं इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, जो ना ये जब तक इनेबलिंग नहीं होंगे हम तो हम कैसे काम करेंगे। तो अब आप क्या देख रही हैं कि 2023 पाकिस्तान की सियासत में क्या उतार चढ़ाव आएंगे? एक है द टावर का कार्ड। अब इसकी क्या मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें स्पेशली पॉलिटिकली इकॉनमी वाइज जो है वो पूरी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। यानी महंगाई आप देख रहे हैं 2022 में बहुत इजाफा हुआ है। कौन सी जमात को आप इख्तदार में देख रहे हैं? PTI जो है वो 2023 में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दूसरी जो पार्टी है यहाँ पर नून लीग। अब नून लीग का हाल देखिए, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, दो तलवारें। यानी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि 2023 में वो क्या करें, किस तरीके से चलें। पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी के लिए जो कार्ड है फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये कार्ड क्या है कि इधर से उधर, उधर से उधर, यानी कि दूसरी जमातों के साथ ही मिलकर कुछ बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सही, MQM और जमात इस्लामी भी बता दें। MQM के लिए देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड होता है किसी बच्चे का कार्ड, एक इमेच्योर कार्ड होता है। मुझे लगता है कि MQM या मुतहदा जो है वो 2023 में मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास कारनामा अंजाम देगी। जमात इस्लामी जो हमिट का कार्ड है, खामोशी से अपना काम करती रहेगी। जमात इस्लामी जिसकी हुकूमत आएगी हो सकता है उसी के साथ शामिल हो जाए। आवाम को क्या कहना चाहती हैं? इस साल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग, ट्रेडिंग, टूरिज्म, तो इस तरह के कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं।